हरियाणा रोडवेज के रेवाड़ी डिपो में बसों की कमी और ओवरटाइम पॉलिसी बंद किए जाने से एक और जहां सरकार को बड़ा घाटा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेवाड़ी डिपो से रोज दौड़ने वाली 150 बसों की संख्या अब घटकर 134 रह गई है। इसमें से भी कई बसें तकनीकी खराबियों के कारण वर्कशॉप में खड़ी रहती हैं। साथ ही वर्कशॉप में खारे पानी से बसों की वॉशिंग से बसें बहुत जल्द कबाड़ बन रही हैं। यदि जल्द ही सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में रेवाड़ी का रोडवेज डिपो एक म्यूजियम बनकर रह जाएगा। बस स्टैंड पर बस की प्रतीक्षा कर रहे कई यात्रियों और कॉलेज छात्रों ने बसों की संख्या बढ़ाई जाने की मांग की। कम है जी, पटौदी और झज्जर रोड पे ज्यादा कम, घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता, उसके बाद गाड़ी अब देख रहे हो कितनी भीड़ है। तो ऐसे में जब त्यौहार का मौका होता है तो त्यौहार के मौके पर तो और ज्यादा रश होता है। बहुत ज्यादा रश है, फिर कितनी परेशानी होती है? बहुत ज्यादा परेशानी, अभी दोपहर से शाम तक पब्लिक ऐसी खड़ी है। हमने नारोल रोड पर जाना है, अभी बस नहीं आ रही। बसों की सर्विस किस प्रकार की? सर ये अभी ज़्यादा आबादी होने के कारण बसों की संख्या बढ़ानी चाहिए, इस सुविधाएं थोड़ी ज़्यादा करो, इसलिए कहना चाहते हैं इस रोड पर थोड़ा नारोल वाले रोड पर थोड़ी बसों की संख्या ज़्यादा करनी चाहिए, इसलिए बच्चों को थोड़ी परेशानी भी उसकी कम होगी और बच्चों के साथ साथ आम जनता को भी परेशानी होती है जब बस नहीं मिलती। नहीं, ज़्यादा टाइम लगता है बच्चों को, कोचिंग पे आते हैं उन बच्चों के लिए एक घंटा खड़ा होना पड़ता है, 3 घंटे लग जाते, 2 घंटे कोचिंग होती है, 4 घंटे लग जाने जाने में, इसलिए। क्या नाम है आपका? तेज सिंह। तेज सिंह जी, आप रोडवेज में काम करते हो, मैकेनिक हो आप? यस सर। तो वर्कशॉप के अंदर डेली कितनी ठीक होने के लिए बस आ जाती है आपके पास? 30-35 गाड़ियाँ आ जाती है दिन के अंदर, रात को अलग होती है, रात को अलग होती है, 30-35-40 रात को जो होती है, 30-35 डेली आ जाती है। तो इस पर कोई मतलब टाइम टेबल को फर्क नहीं पड़ता? नहीं, इनका टाइम होता है चेकिंग का। अच्छा, जैसे तेल लेने आ गई, इनका चेकिंग का टाइम है आधा घंटा, किसी का 15 मिनट, किसी 10 मिनट, तो उस दौरान वो टाइम चेकिंग हो जाती है, तेल पानी रूटीन में जैसे ले लीजिए, जैसे बड़ा काम होता है तो रोकनी पड़ती है, 2 घंटे भी लग जाते हैं, इसी वजह से दूसरी गाड़ी ले जाता है, कुछ स्पेयर हो ले जाता है जैसे। क्या नाम है आपका? मदन लाल जी, आप यहाँ पे किस पोस्ट पर हो? हेड इलेक्ट्रिशियन। ये जो अपने यहाँ पे जो बसें हैं जिनकी बॉडी जल्दी गड़ जाती है, क्यों, कारण क्या है इसका? जो पानी सरकारी ट्यूबवेल का है वो खारे पानी है, खारे पानी होने की वजह से। तो इस बारे में कभी मतलब अधिकारियों का अवगत नहीं करवाया? अवगत कराया था और सरकारी वो पानी भी लगवाया था मीटर, लेकिन उससे पूर्ति नहीं होती, वाहन ज़्यादा होते हैं जुलाई के लिए, पानी की पूर्ति नहीं हो पाती। तो इससे नुकसान कितना हो रहा है गाड़ियों को? बॉडी तो गड़ी जाती है गाड़ी टाइम से पहले, टाइम से पहले बॉडी गड़ी जाती है। इंतजार 150 बसेज का है, लेकिन गाड़ियाँ जो लाइफ है गवर्नमेंट द्वारा जो इंस्ट्रक्शन जो दी हुई है उसके अनुसार एक गाड़ी की लाइफ है, उस लाइफ का अकॉर्डिंग गाड़ी कंडम भी होती है। अब फिलहाल एट प्रेजेंट 134 गाड़ियाँ हमारे पास हैं और आगे भी हम जो डिमांड भेज रहे हैं। सर सेकेंड हमारा क्वेश्चन, तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन्होंने वो टाइम ख़त्म किया है, ख़त्म करना लागू करना गवर्नमेंट का एक अपनी पॉलिसी है, लेकिन इसका कोशिश कर रहे हैं हम भी, जो हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है जो बसेज की उसके अकॉर्डिंग जो है गाड़ियाँ चलाने की और पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया करवाने की हम अपनी।